और मेरे एक बात याद रखना, मैं अभी खुल्लम कह रहा हूँ, इंडिया के लोग जो उसका शोर है उसका नाम क्या है जो इंडिया में, सचिन, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ। अरे बेटा, कोई अच्छी बात थोड़ी हो रही है, तालियों में तो ये लग रहा है कि सीमा मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। अगर जो अपने वतन से नहीं करती, अपने मुल्क से नहीं करती, अपने बच्चों से नहीं करती, अपने मियां से नहीं करती, अपने कुरान से नहीं करती, अपने दीन से नहीं करती, तो वो सचिन से मोहब्बत क्या करेगी। मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था, पानी पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज, चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था, ये इंडिया की एजेंट है सीमा। हाँ, मैंने रंग के आता हूँ, मैंने अपने आंखों से इसको, मैं 22 साल का हूँ तब से ही जान रहा हूँ। सीमा शुरू से यहीं पर ही रहती थी? हाँ, यहीं पर ही देखा है मैंने तो, ये पीछे वाली गली में से आती थी यहाँ पर सामान लेने, इसी गली में रहती थी, तीन बच्चे चार बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मरतबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था, एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मरतबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मरतबा गली में, उसके बाद ये जाके नेपाल में मिली है, लेकिन इस गली में हमने देखा था। कह रहे हैं कि सीमा पे काला जादू हुआ है, सचिन ने करवाया? वो काले जादू से ही गई है। कोई काला जादू नहीं हुआ है, ये इस औरत का खुद का दिमाग खराब था, पबजी खेल खेल के सारा आजादी आजादी इसको जिसने खराब किया वो आजादी थी, शोहर ने इसको आजादी दी थी, वो शरीफ आदमी है, क्योंकि वो शक्ल से बेचारा शरीफ लगता है, जो 3 साल से दुबई में इस बच्चों के लिए ख्वार हो रहा है, उसको फुल आजादी थी, इसने आजादी का नाजायज फायदा उठाया, उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया भाग के चली गई। बहरहाल कुछ भी कहें, लेकिन सचिन हमारा दामाद हो गया, ये देखें। नमस्ते दोस्तों, तो आपने देखा पाकिस्तान में सब क्या बोल रहे सीमा के बारे में। हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि सीमा ने जो किया वो बहुत गलत किया है, जो अपने मुल्क को, जो अपने जहाँ रहते हैं उस जगह को छोड़ दिए, अपने पति को छोड़ दिए, अपने बाल बच्चे को मुसीबत में डाल दिए, तो वो किसी का नहीं हो सकती, सिर्फ वो अपने बारे में सोची है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके चलते ना जाने कितने मासूम को ज़िंदगी को बर्बाद होना पड़ रहा है, ये बहुत गलत है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर जैसे सीमा ने किया और सीमा का जय जयकार हो रहा है, वैसे तो सभी लड़के गलत करेंगे, उनका भी जय जयकार होना चाहिए, तो ये गलत बात है ना। अब देखिएगा कुछ दिन के बाद सीमा, सचिन, लव अभी एक यूट्यूब चैनल बना लेंगे, और यूट्यूब चैनल में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, वही सब दिखाएंगे, और उनका वीडियो पे भर भर के व्यू जाएगा, यही सब करेंगे और क्या। जैसे कि आरती को हुआ है, आरती क्या अच्छा की है, फिर भी देखिएगा वो जैसा मन तैसा वीडियो बनाती है, फिर भी उसको लोग पसंद करते हैं, और ऐसे ही इसका भी यही हाल होना होगा, और क्या। एक यूट्यूब चैनल बनाएगी अपना, और यूट्यूब चैनल का नाम पता क्या रखेगी, सचिन सीमा लव, यही रखने वाली है, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि हम एक यूट्यूब चैनल कल देखे थे, पर अब वो उसका चैनल है या दूसरा का चैनल है हमको ये नहीं पता, पर ऐसे ही चैनल को कल हम देखे थे। तो वहाँ पे गुलाम हैदर जो है वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि हमारे बच्चे को लौटा दे, और यहाँ पे सीमा का जय जयकार हो रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि सीमा जो किए वो गलत किए हैं कि सही किए? मुझे तो लगता है वो बहुत गलत किए हैं, जो अपना देश को छोड़ दिए, अपने परिवार को छोड़ दिए, किसी के बारे में नहीं सोचे, अपने बच्चे को मुसीबत में डाल दिए, वो बहुत गलत किए हैं। हर एक महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए, महिला रहे चाहे पुरुष रहे, जिसे भी अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी खुशी के लिए सबको हम नहीं दाव पे लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत है। तो जैसे सीमा ने किए ऐसे न जाने कितने लड़के करेगी, क्योंकि सब सोच रहे हैं कि प्यार का तो बहुत मान किया जाता है, तो ऐसा नहीं है, प्यार किया जाता है, सीमा भर ही करें, कुछ ज़्यादा ना करें। सीमा ने किया वो बहुत गलत किया, न जाने कितने को खतरे में डाले हैं। पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई बहन हैं, वहाँ पर उनका नुकसान हो रहा है, ये सब गलत बात है, और ख़ुद पाकिस्तान के लोग सीमा के बारे में गलत बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हैं, आपने देखा है वीडियो में। तो सिर्फ उनका जो पति है, उतना करने के बाद जो उनका पति का एक वीडियो हम देखें, वो बोल रहे हैं कि हमारी सीमा बहुत अच्छी है, और उनके बारे में गलत अफवाह ना फैलाएं और हमारे बच्चे को लौटा दें। तो वो तो अपने बच्चे के लिए, भविष्य के लिए ही बाहर गए थे कमाने के लिए ना, सऊदी अरब गए हैं कमाने के लिए, और सीमा तो इधर ये बहुत बड़ा ये कर ली है। तो सीमा तो बोलती है कि हमको खुला मैं जीने नहीं देती, आज़ादी नहीं मिला, तो फिर उसके पास मोबाइल कैसे आया? और अपना घर नाम कर दिया था उनका पति, घर बेच दिया, इतना बड़ा काम करके वो आ गई है,
अभी बिना वीजा का, तो ये बहुत बड़ा आज़ादी ही हुआ है, ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि सीमा यहीं रहे कि यहाँ से चले जाए, आप लोग थोड़ा बोलिए। अगर मेरी बात कुछ गलत लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे तो लगता है कि सीमा ने गलत किया है, सीमा बहुत गलत किया है। धन्यवाद।